Let us see what will be the answer of this question. You have to try the sum exercise. So we have to tell which statement is correct here. So first of all, we will try to study a chemical equation. Tells us about the substance involved in the reaction. Yes, this statement is correct. ये हमें पता चलता है इससे कि कौन कौन से substance chemical reaction में participate कर रहे हैं. जो केमिकल इक्वेशन है हमें और क्या इन्फॉर्मेशन देती है सेकेंड पॉइंट में, सिंबल्स के बारे में, फॉर्मूले के बारे में, जो सब्सटेंसेस के हैं केमिकल रिएक्शन में, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. केमिकल रिएक्शन अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टेल्स अस अबाउट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. यस ऑब्वियस है, वी आर एबल टू फाइंड आउट इफ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इफ इट इज इन द बैलेंस फॉर्म. So this statement is also correct. It means all the four correct statements are, all the three above are correct. So our option D is a correct one, that all the above statements are true in this. Let us take one more example. When dilute hydrochloric acid is added to iron film. अब ये हमें एक word equation दी है, dilute hydrochloric acid किससे react करता है, आयरन फिलिंग से. तो पहले हम इस रिएक्शन को वर्ड रिएक्शन को लिखते हैं इन द सिंबल फॉर्म और फिर देखते हैं क्या बनता है. तो आयरन फिलिंग्स मींस आयरन Fe इज इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस इज सिंबल व्हाट वी विल गेट FeCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इज़ वी हैव फर्स्ट रिटन द इक्वेशन. अब हम आंसर देते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं. तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस एंड फेरिक क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड. यस इट इज द करेक्ट वन. देन क्लोरीन गैस एंड फेरिक हाइड्रोक्लोराइड ऑक्साइड इज नो इट इज नॉट इज ट्रू स्टेटमेंट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इट इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट वन. Iron salt and water is produced. It is also not the correct. So our first option is the correct one. So correct answer to this question is that is A. So by writing the chemical equation, we are able to give the answers of the questions easily. I think it is clear to you students. Now you are able to write the chemical equation and able to balance.